देखिए, अब ये तो उनका फैसला है, लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो एक सांप्रदायिक भावना है वो काम कर रही है। सवाल ये है कि हर जगह अगर सरकार स्कूल बना सकती है, बच्चों को शिक्षा दे सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। आज जहाँ तक मदरसे का सवाल है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 2% बच्चे ही मदरसे में जाते हैं। हर जो अभिभावक है वो चाहता है कि अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को मिले। तो कुछ लोग तो इसलिए कि उपलब्ध नहीं है, प्राइमरी स्कूल सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है, तो लोग अपने बच्चों को, के बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, तो मदरसे में भेजते हैं, संस्कृत स्कूल में भेजते हैं। उनका उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाना है। तो अगर आसाम सरकार हर जगह शिक्षा का प्रबंध कर दे, तो खुद ब खुद लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। ये सब जो करने से, इससे ये जाहिर होता है कि एक जानबूझकर, एक जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि लोगों के बीच में एक नफ़रत, घृणा पैदा करना, ध्रुवीकरण करना, ये उसी का एक कहा जाए कि उसी दिशा में ये उठाया हुआ कदम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।